द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भागम भाग की स्थिति हो गई है। बड़ी भगदड़ सी मची हुई है। एक के बाद एक कई नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। और जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक एक कद्दावर नेता ने बीजेपी को झटका दिया है। ये वैसे नेता हैं जिसके बूते अभी के कृषि मंत्री वहां राज कर रहे हैं और कृषि मंत्री को जिताने वाले इस नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इनका अपना जनाधार है, ऐसी मजबूती है जिससे बीजेपी को बड़ा फायदा होता था, तो इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ पूर्व विधायक हैं बीजेपी की ही, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सबकी हम जानकारी देंगे, लेकिन कृषि मंत्री से कंधे मिलाकर बीजेपी की नैया पार लगाने वाले दीपक सारन ने बीजेपी को झटका दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये अभी मध्य प्रदेश भाजपा की सबसे बड़ी झटका वाली खबर है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, एबीपी न्यूज ने लिखा है, एमपी इलेक्शंस, बीजेपी को फिर बड़ा झटका। कृषि मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इस नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ। इनका नाम है दीपक सारन। कांग्रेस इससे गदगद है क्योंकि कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस अपने उसी रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में भी जोरदार दस्तक देने जा रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान यह कहते फिर रहे हैं, ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस के पास क्या है, हमारे तरकश में ऐसे तीर हैं जिसे छोड़ते ही बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत जाएगी और यहां कांग्रेस की हार हो जाएगी। लेकिन धरातल पर, असलियत ग्राउंड पर कुछ और है। बीजेपी खुद अपने सर्वे में यह यकीन कर चुकी है, उनके नेता भी यह मानते हैं कि बीजेपी की हालत इस बार बहुत खराब है, बहुमत से कोसों दूर यह पार्टी रहने वाली है। दूसरी तरफ जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें भी बीजेपी को झटका ही लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री जी के दावे खोखले नजर आते हैं क्योंकि पार्टी के अंदर ही बड़ी टूट देखने को मिल रही है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि दीपक सारन के बारे में क्या जानकारी दी गई है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि साथ ही साथ हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने वाले दीपक सारन ने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पीसीसी कार्यालय में रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने बालाघाट से पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे और उनके पुत्र शांतनु मुंजारे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा हरदा से दीपक सारन, जो कि पूर्व में कृषि मंत्री कमल पटेल के बेहद करीबी माने जाते थे, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही साथ सतना के पूर्व मंत्री सईद अहमद ने पुनः कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। यानी सईद अहमद भी गए, इसके साथ कमल पटेल के बेहद करीबी दीपक सारन भी गए और महिला जो पूर्व विधायक रही हैं अनुभा मुंजारे, ये भी कांग्रेस का ही दामन थाम चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी को जोरदार झटका लग रहा है। हाल ही में दीपक जोशी, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया और एक बड़ा जनाधार बीजेपी से खिसकता हुआ अब कांग्रेस के पास जा पहुंचा है। जो झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिया था, या बीजेपी ने जोर तोड़ के गणित के सहारे सिंधिया को फांसने में सफलता पाई थी, अब उसकी जो भरपाई है कांग्रेस अब इस तरीके से कर रही है, वो खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के हिस्से में बीजेपी के कई ऐसे मजबूत नेताओं का जनाधार भी जुड़ता जा रहा है जो कि बीजेपी से खफा होकर अब अपना पाला बदल रहे हैं। इतने बड़े झटके के पीछे की सियासी वजह क्या है? क्या मध्य प्रदेश भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं है? हमने आपको इससे पहले भी जानकारी दी है कि शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन भाजपा मध्य प्रदेश वाली विंग की कमान जो है वो वीडी शर्मा के पास है। दोनों के बीच टकराव की स्थिति है, दोनों के बीच करवाहट ऐसी है कि इसे
ठीक करने के लिए संघ से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है और बीजेपी के आलाकमान से भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश भाजपा को अगर बचाना है तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के बीच बढ़ चली दूरियों को कम करने की जरूरत है, हस्तक्षेप कीजिए, इनके रिश्ते सुधारिए, नहीं तो जो कैडर के भीतर निराशा का भाव बढ़ता जा रहा है उसी का नतीजा है कि कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसमें कई नेताओं की फेहरिस्त आप जोड़ सकते हैं, चाहे दीपक जोशी हो, इस वक्त दीपक सारन का नाम ले लीजिए, अनुभा मुंजारे का नाम ले सकते हैं, उनके बेटे का नाम ले सकते हैं। इस तरीके से कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटके पर झटका दे रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के बीच सिर फुटवल की स्थिति मध्य प्रदेश में जो हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरीके से करवाहट बढ़ी है इसको लेकर ही वहां चर्चा होने लगी है, क्या मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव आते आते तक एकजुट रह जाएगी या पार्टी नाम की रहेगी, अंदर से खोखली हो जाएगी। मध्य प्रदेश में दिक्कत यह है कि बहुत अनुभवी है शिवराज सिंह चौहान, 2005 से मध्य प्रदेश भाजपा की जान बने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने काम भी बहुत किए लेकिन उसे सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं कराया जा सका। दूसरी तरफ बीडी शर्मा, उनके सामने नौसिखिए करार दिए जाते हैं और बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच यही खाई जो है वहां पार्टी को नुकसान करा रही है। इन तमाम नुकसान से बचने के लिए आलाकमान कौन सा फैसला लेगा उसी से तय हो पाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए तो वो जीत सकते हैं। काम के बदौलत तो भ्रष्टाचार का मामला वहां पर तूल पकड़ रहा है, कांग्रेस ने पहले ही रणनीति तय कर ली है कि कर्नाटक में हमने 40% कमीशन वाली सरकार का नारा दिया था, यहाँ 50% कमीशन वाली सरकार का हम नारा देंगे। बीजेपी ने वहां भी खूब भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही साथ जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उस वक्त उन्होंने भी इन चीजों को महसूस किया है कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है, मामा जी से उब चुकी है, अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करती है, कांग्रेस के साथ जनता खड़ा होना चाहती है, ऐसा राहुल गांधी का भी आकलन है। और इस वक्त जिस प्रचंड जीत के साथ कांग्रेस कर्नाटक से हाई जोश लेकर मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रही है उससे यही मालूम पड़ता है कि सियासी पटकथा बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को वहां भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि कर्नाटक में हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना चेहरा था जिसके नाम पर वो वोट मांगते थे, जनता ने उस चेहरे को खारिज कर दिया। अमित शाह जिस हिसाब से हिंदू कैडर को बरगलाने की कोशिश करने लगते हैं, जेपी नड्डा जिस हिसाब से चुभती हुई बयानबाजी करने लगते हैं, उन सब का असर फीका पड़ चुका है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जब बात होगी और यही चेहरे फिर से वोट मांगने के लिए शिवराज सिंह चौहान के लिए, वीडी शर्मा के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया साहब के लिए बैटिंग करने जाएंगे तो जनता उन्हें वहां भी खारिज कर सकती है। और दूसरा नुकसान इस तौर पर भी देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन कर लेने के बाद से जो सिंधिया के कुनबे के खिलाफ बीजेपी के नेता सियासत किया करते थे वो सब दरकिनार कर दिए गए या फिर हाशिए पर खुद ब खुद चले गए। ऐसे में ये सब एक वोट बैंक के तौर पर इकट्ठे होकर कांग्रेस के दामन को थामना चाहते हैं और फिर उन्हें माकूल जवाब भी देना चाहते हैं। तो इससे भी बीजेपी को बड़ा नुकसान ही होने वाला है क्योंकि यह तय मानिए कि कर्नाटक में जो स्थिति हुई थी दल बदलने वाले वैसे तमाम नेता विधायक इस बार हार गए चुनाव। आपको तात्कालिक फायदा हो सकता है, किसी की सरकार गिराकर विधायकों को तोड़कर उसका फायदा ले सकते हैं लेकिन जनता तो सब देखती है। मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट के साथ जितने विधायक गए उनका भी हश्र कमोबेश यही होने जा रहा है। अगर आने वाले चुनाव में जनता ने भी उन्हें खारिज कर दिया, उनकी हार करा दी तो कांग्रेस को जीत के दरवाजे से कौन रोक सकता है। तो यहां पर सत्ता पलटती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह अंदरूनी कलह सिंधिया भी हो सकते हैं और कई बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना भी सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, कांग्रेस इससे गदगद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।